हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैदिक आईएएस। आई एम अमित मौर्य। फ्रेंड्स, हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक कवर करेंगे अपने इस लेक्चर के थ्रू, जिसमें हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, भारत का जो भी नामकरण है, भारत का नामकरण। आप सभी जानते हैं कि भारत को विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे कि आपका हम बोलते हैं इंडिया, भारत भी बोल दिया जाता है, इसके अलावा हिंदुस्तान, क्लियर है, और जो अदर नाम है आर्यावर्त, कहीं कहीं बोल दिया जाता है जम्मू द्वीप, ठीक है। इसमें आपका इंडिया, भारत और हिंदुस्तान से तो सभी वाकिफ हैं, बाकी जो आर्यावर्त और जम्मू द्वीप है, ये एंशिएंट टाइम के नाम है भारत के, जो आजकल प्रचलित नहीं है, क्लियर है। भारत के नामों में इतनी सारी विविधताएं देखने को मिलती है कि बंदा कंफ्यूज रहता है, और सबके माइंड में यही थॉट आता है कि भारत के लिए इतने सारे नामों का यूज क्यों किया गया। बिकॉज अदर कंट्रीज हैं, उनके लिए एक दो नाम प्रचलित है, पाकिस्तान को पाकिस्तान बोला जाएगा, यूएस को यूएस बोला जाता है, एक दो नाम ही ज्यादा से ज्यादा प्रचलित होते हैं, परंतु भारत के लिए इतने सारे नामों का यूज किया जा रहा है, इतनी डाइवर्सिटी है भारत के नामों को लेकर, इसके पीछे जो मेन रीजन है हम उस पर चर्चा करेंगे। एंड लास्ट, अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मालूम चलती रहे। ओके, स्टार्ट करते हैं हम फिर अपना टॉपिक। देखो, इस चीज़ से तो आप सभी वाकिफ हैं कि जो भारत की जो सभ्यता है, भारत की सभ्यता या भारत का इतिहास मान लो, या सभ्यता, भारत का इतिहास या सभ्यता उतना ही ओल्ड है जितना कि मानव की उत्पत्ति। भारत का इतिहास या सभ्यता उतना ही ओल्ड है, उतना ही पुराना है जितना मानव की उत्पत्ति, जितना मानव की उत्पत्ति। देखो, ऐसे क्यों बोला जा रहा है, आप सभी वाकिफ है, भारत का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टार्ट होता है आपका एंशिएंट हिस्ट्री, वो मेनली आप देखते हो कि हड़प्पा से भारत में एक तरह की सभ्यता स्टार्ट हो जाती है, एक सभ्यता युगीन जीवन स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले भी मानव के अस्तित्व थे, मानव के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, आपका स्टोन एज हो गया, बट इन सब में क्या था, मानव एक तरह का सामाजिक प्राणी नहीं था। सामाजिक प्राणी कहने से अर्थ है आपका कि लोग मिलजुल के रहते हो, उनकी एक तरह की अर्थव्यवस्था हो, रहन सहन सेम प्रकार का हो, ठीक है, और वो एक स्थान पर स्थिर रहकर रह सके। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हमें ओनली हड़प्पा टाइम पीरियड से देखने को मिलती है, और हड़प्पा जो टाइम पीरियड है वो कहीं ना कहीं मानव सभ्यता का प्रारंभ है। बिकॉज जो भारत की सबसे ओल्ड सभ्यता है आपका हड़प्पा है, और इसी के समकालीन जो विश्व के अन्य सभ्यताएं थी, जैसे कि मेसोपोटामिया, नील की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, तो काफ़ी सारी सभ्यताएं हैं जो आपका समकालीन रही हैं। तो मानव की उत्पत्ति या मानव जैसे ही एक सामाजिक मानव बना, तो भारत का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव की उत्पत्ति, क्लियर है। अब भारत का नामकरण स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे आपका जो भारत को बोला जाता है कहीं कहीं पर आर्यवर्त। अब आर्यवर्त बोलने का क्या सेंस रहा है, देखो आप सभी जानते हो वैदिक सभ्यता के बारे में, देखो ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, वैदिक सभ्यता के बारे में हम अंदर नहीं घुसेंगे, ओनली आपको ऊपरी जानकारी देंगे जो भी फैक्ट है इसके नाम के पीछे, ठीक है। अब वैदिक सभ्यता का आर्यवर्त से क्या संबंध रहा है, देखो जो वैदिक सभ्यता थी उसमें जो आपका शासन प्रणाली होती थी या शासन की सर्वोच्च इकाई वो होती थी जन या कबीला। इसमें क्या होता था, एक व्यक्ति होता था और जो जन या कबीले पर शासन करता था, इसको बोला जाता था राजन्य। इस प्रकार जो भी आपका वैदिक सभ्यता टाइम पीरियड के जितने भी कबीले थे, कई प्रकार के कबीलों में वैदिक सभ्यता डिवाइड था, और हर कबीले का एक अपना एक सरदार होता था। तो इसी प्रकार का एक कबीला था आपका जिसके राजा थे भरत। तो भरत का अपने आप में एक तरह से एक वर्चस्व था, इनका वर्चस्व था बाकी कबीलों में, तो भरत का वर्चस्व होने के कारण तो भरत के ही नाम पर भारत को बोला जाता है भारतवर्ष।
भारतवर्ष, क्लियर है? तो आपका भारत का नाम भारतवर्ष क्यों पड़ा है, तो हम सीधा बता सकते हैं कि वैदिक कालीन टाइम पीरियड में जो भी आपका भरत कबीले से संबंधित राजा रहे थे, भरत, उन्हीं के नाम पर भारत को भारतवर्ष बोला गया है, भारतवर्ष, ठीक है। इसके अलावा आर्यवर्त क्यों बोला जाता है, बिकॉज जो आर्यों का जो निवास स्थान था वो भारत ही है, निवास स्थान आपका इंडिया वाला उत्तरी क्षेत्र रहा है, सिंधु घाटी वाला, क्लियर है, जम्मू कश्मीर और पंजाब वाला। तो जो आपका वैदिक लोग थे या वैदिक जन थे उनको आर्य बोला जाता था, और जो आर्य निवास करते थे भारत के नॉर्थ में निवास करते थे, इस तरह, जैसे कि भारत का नॉर्थ हिस्सा हो गया आपका जम्मू कश्मीर वाला। तो जो आपका आर्य लोगों का निवास स्थान मेनली नॉर्थ में था, तो इनके निवास स्थान के कारण इस क्षेत्र को या भारत के इस हिस्से के लिए यहाँ पर यूज किया गया आर्यवर्त, आर्यवर्त यानी कि जहाँ पर आर्यों का निवास है। भारतवर्ष आपका वैदिक कालीन जो प्रमुख राजा थे भरत, भरत के नाम पर भारत को बोला गया भारतवर्ष, क्लियर है? आई होप आप लोग चीजें समझ में आ रही है, नोट्स वगैरह मत बनाना, ये एक जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो भी है अपना टॉपिक है, इसको एक बार देख लोगे, अगर नहीं समझ में आएगा आप एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना, ठीक है। आगे देखते हैं हिंदुस्तान बोले जाने के पीछे क्या रीजन रहे हैं। हिंदुस्तान, देखो आप सभी जानते हैं कि भारत में जो प्रथम विदेशियों का जो प्रवेश हुआ है वो ईरानी थे आपके, ईरानी, इनको ही बोला जाता है पार्थियन। अब जो भारत में जो भी विदेशियों का जो भी आवागमन हुआ है, एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं, वो भारत के उत्तरी हिस्से से हुआ है। यहाँ पे आपका खेबर दर्रा वगैरह था, यहाँ से कुछ पासिस मिलते थे विदेशियों को, तो वो इस मार्ग के माध्यम से भारत में एंटर होते थे, या फिर आप पाकिस्तान वाला क्षेत्र ले लीजिए, बिकॉज जो भी भारत में विदेशी आए हैं वो कहीं ना कहीं स्थल मार्ग से जो आए हैं वो आपका इसी मार्ग से आए हैं, बिकॉज एंशिएंट टाइम में समुद्र की इतनी नॉलेज नहीं थी कि वो आपका साउथ से आए या आपका पश्चिम साइड से आए, जो नीचे की तरफ है गुजरात से नीचे, बिकॉज ये पूरा आपका समुद्र एरिया है, ठीक है। अब एंशिएंट टाइम में समुद्र की इतनी नॉलेज थी नहीं, तो लोग आपका इसी मार्ग से आते थे, नॉर्थ वाले मार्ग से। अब ईरानी जब भारत में आते हैं, ईरानियों की सबसे मेन चीज़ ये है कि ये सै का उच्चारण है के रूप में करते हैं, आप इस तरह समझिए कि ये तोतले हैं, है, सै को है बोलते हैं। अब जब ईरानी भारत में आते हैं तो सिंधु नदी आपकी कुछ इस तरह से बह रही है, ठीक है, आपका इधर मानसरोवर झील के पास से निकलती है और इधर आपका लद्दाख वाले एरिया से होते हुए पाकिस्तान में निकल जाती है। तो इस टाइम पीरियड में आपका जब ईरानी भारत में एंटर होते हैं, इस टाइम पीरियड में आपका सिंधु का एक अपने आप से एक अलग महत्व था। सिंधु का जो हमारी एंशेंट हिस्ट्री है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज हम देखते हैं कहीं ना कहीं हड़प्पा के जो अधिकतर स्थल हैं वो सिंधु की सहायक नदियों के आसपास स्थित हैं। उसके अलावा वैदिक आर्य जो थे आपका वो भी सिंधु नदी के आसपास सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित थे, क्लियर है। अब जो ईरानी भारत में आते हैं, इन्होंने जो सिंधु नदी थी इसको बोला हिंदू, बिकॉज ये सै को है बोलते थे, हिंदू, क्लियर है, ठीक है। इन्होंने सिंधु को हिंदू कहकर पुकारा ईरानियों ने, और यहाँ के लोगों के लिए भी हिंदू वर्ड का यूज किया गया, हिंदू, हिंदू यानी कि जो सिंधु के क्षेत्र में रहते हैं, क्लियर है। और आगे चलकर इसी हिंदू को इन्होंने बोला हिंदुस्तान, समझ गए आप लोग, हिंदुस्तान जो बोलने का जो सेंस है वो सै का उच्चारण है में करते थे आपका ईरानी लोग, इन्होंने सिंधु को बोला हिंदू, और यहाँ के लोगों के लिए भी इन्होंने हिंदू वर्ड का प्रयोग किया, और आगे चलकर हिंदू का कहीं ना कहीं जो उच्चारण होता था वो हिंदुस्तान के रूप में होने लगा, और भारत वाले क्षेत्र को बोल दिया गया हिंदुस्तान, क्लियर है। अब देखते हैं हम इंडिया, भारत को इंडिया भी बोला जाता है कहीं कहीं, इंडिया। अब देखो जब ईरानियों के बाद भारत में जिन विदेशियों का प्रवेश होता है वो होते हैं यूनानी, ठीक है। अब यूनानी का क्या सेंस है इंडिया में, क्या योगदान रहा है इंडिया शब्द देने में, तो यूनानी भी आपका इसी मार्ग से भारत में एंटर होते हैं, और सेम जो ईरानियों के साथ हुआ वही आपका यूनानियों के साथ होगा। अब जो सिंधु वाला
क्षेत्र है ग्रीक भाषा में, इसको बोला जाता है ग्रीक भाषा में सिंधु को इंडस, इंडस या इंडोस बोला गया। क्लियर है? अब ग्रीक भाषा में जो ग्रीक भाषा है यूनानियों की, उसमें सिंधु का उच्चारण इंडोस या इंडस के रूप में हुआ और आगे चलकर इसी का जो नाम पड़ा वो पड़ गया इंडिया। क्लियर है ना? डाउट में नहीं रहना है, नॉर्मल सा टॉपिक है, चार पांच नाम है भारत के और क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। बौद्ध व जैन पौराणिक कथाओं में, पौराणिक कथाओं में भारत को, भारत को जम्मू द्वीप कहकर बुलाया गया है। बुलाया गया है, संबोधन किया गया है भारत का जम्मू द्वीप के रूप में। अब देखते हैं भारत के जो विभिन्न नाम है क्या क्या थे। आर्यवर्त, वैदिक आर्यों के कारण, जम्मू द्वीप हमने देख लिया है आपका, बौद्ध व जैन पौराणिक कथाओं में भारत को जम्मू द्वीप कहकर बुलाया गया है। अब जो है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान ईरानियों द्वारा, इंडिया जो नाम पड़ा है वो यूनानियों ने दिया है, भारतवर्ष भरत कबीले के नाम पर, तो ये भारत के कंप्लीट पांच नाम है, आर्यावर्त, जम्मू द्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया, भारतवर्ष। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होगी, अब बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको भारत के नाम को लेकर। लास्ट देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भारत को किस नाम से पुकारा गया है। देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल एक है, इसमें बोला गया है भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्लियर है? जो कॉन्स्टिट्यूशनली भारत को जो नाम दिया गया है, भारत और इंडिया के रूप में संबोधन किया गया है, तो ये आपका संवैधानिक नाम हो गया, भारत अर्थात इंडिया, भारत जो इंडिया है, इंडिया जो भारत है। क्लियर है? तो भारत को हम आपका कॉन्स्टिट्यूशनली देख सकते हैं, भारत और इंडिया दोनों नाम से संबोधित किया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो भी टॉपिक था हमारा भारत के नामकरण को लेकर यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। और जिसको भी वीडियो अच्छी लगी है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।